Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about BTS versus BNS. So nowadays, ये question सबके दिमाग में घूम रहा है कि BNS ज़्यादा अच्छा है या फिर BTS ज़्यादा अच्छा है. और मैंने BNS क्यों लिया? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे. आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा. तो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो अपने 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 लेवल पे बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं. जिसको डेंटिस्ट मींस दांतों का कोई इलाज करना है, टीथ के रिलेटेड उन्हें इंटरेस्ट है कि उस चीज़ से को हम ट्रीट कर सकते हैं, तो वो BDS लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और जो चाहते हैं कि हमें ऑल ओवर गायनी करना है, सर्जन बनना है या फिर पंचकर्मा एक्सेट्रा करना है, आयुर्वेदिक फील्ड में जाना है, तो वो BMS लें. मेन है कि कोई भी कोर्स बुरा नहीं है. सबके अपने अपने पहुँच है, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं. BMS बेसिकली मीन्स जिसमें आप लोगों को ट्रीट करते हैं थ्रू आयुर्वेदा के मेडिसिंस, औषधि से जो कि आयुर्वेदा बेस्ड होते हैं, जिससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये जो बीमारी है उसको जड़ से निकालता है. और तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने BMS क्यों ली. क्योंकि मुझे सिर्फ एक जगह पर आइसोलेट नहीं होना था. मुझे चाहिए था कि मैं जो अलग अलग टाइप्स की डिसीज़ के बारे में पढ़ूँ, उनका इलाज करूँ लोगों को. ऐसे एक चीज़ के ऊपर मुझे स्टिक नहीं होना था. दैट्स वाई आई चोज BMS. जिससे कि मुझे गायनी बनना था तो आई चूज BMS. और BDS लेकर मैं वो नहीं बन पाती. लेकिन जिस बच्चे को भी इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं उस फील्ड में जाऊँ, तो दे कैन चूज. उसका भी अपना एक लेवल है. और ऐसा नहीं है कि आप BDS ले लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर एक फील्ड के अपने अपने ऑप्शंस हैं, जॉब्स हैं, तो आपको उस चीज़ के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा लिटिल बिट. बट दैट्स द रीज़न वाई आई चूज BMS. अब एक क्वेश्चन ये अराइज होगा कि दी पढ़ाई किसमें ज़्यादा करनी पड़ती है. तो मैं बता देती हूँ, जितनी पढ़ाई आपको BMS में करनी पड़ेगी उतनी ही BDS में भी करनी पड़ेगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको माउथ का पढ़ाया जाएगा. माउथ सारे मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, सब चीज़ों से कनेक्टेड है. तो आपको वो सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी. बस बेसिकली ये होगा कि BDS में आपको मॉडर्न पार्ट पढ़ना पड़ेगा, बट आयुर्वेदिक में आपको संस्कृत, आयुर्वेद और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. और जो कि लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और जो आपकी लैंग्वेज है जिस स्टेट की, वो लैंग्वेज में आप उसको परसीव कर सकते हैं, बट BDS में आपको मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा. बेसिकली यही डिफरेंस है. और पढ़ाई कम या फिर ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है. और दोनों का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी सेम ही ऑलमोस्ट. बट आजकल क्या हो रहा है कि BMS की थोड़ी सी जो बच्चे हैं चूज़ ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू BDS. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे BDS को चूज़ ही नहीं कर रहे हैं. जिनको BDS करना है वो BDS ले रहा है, जिनको BMS में इंटरेस्टेड है वो BMS कर रहे हैं. बट जो BMS का रेट है वो अ लिटिल बिट अब धीरे धीरे हायर होता जा रहा है. क्योंकि तो लोग आयुर्वेद के जो कैपेबिलिटी है उसको समझने लग गए हैं. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस छोटे से वीडियो से थोड़ा सा कंफ्यूजन तो दूर हुआ ही होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ दे ऑल्सो हैव अ कंफ्यूजन. तो मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो.